जिले के लोगों ने आज के बजट को बताया कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के लिए निराशाजनक। उन्होंने कहा यह बजट उम्मीद के मुताबिक नहीं है। उन्होंने बताया कि यह बजट पूंजीपतियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मजबूत करने वाला बजट है। इस बजट में किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है। इस बजट के अनुसार सरकार हर क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है। क्या कहेंगे, क्या नाम होगा? जो बजट पेश किया गया, ये बजट जनता की जो उम्मीदें थी, अब इस बजट में कुछ मिलेगा, किसानों ने भी उम्मीदें थी कुछ मिलेगा, लेकिन जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसानों के लिए भी जो पहले ही दे रखा था वो अभी दिया है, लेकिन किसानों की उम्मीद तो ये थी हमें जो पहले मिल रहा है उससे कुछ बढ़ के मिलेगा, वो नहीं हुआ। और जो मजदूर है अपने नरेगा के, जो मजदूर हैं उनके लिए जो बजट होना चाहिए था उसमें भी काफ़ी बड़ी कटौती इन्होंने पहले भी कर रखी थी और अब भी उस तक नहीं गए। अब यहाँ हम देखते हैं गाँव के अंदर जा कर के मजदूर, हर गांव में मजदूर ये कहते हैं हमें नरेगा के तहत काम दिया जाए, काम दिया जाए, लेकिन ये नु कहते हैं हमारे पास बजट ही नहीं है। तो अब भी उनके लिए कोई बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं हुआ है। उम्मीद तो जी इन पर हमारी कुछ भी नहीं है, जैसे कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील हो, आशा वर्कर हो, और चाहे कोई भी आम आदमी, आम इसमें कोई भी नहीं उम्मीद। पहला बहस हो करती बजट के ऊपर, आज कोई बजट पर बहस तो नहीं है जी। ये तो पहले उसको तय कर ले हैं, या काले कानून हो, किसानों का, मजदूरों का कोर है, ये काले कानूनों का भी इन पर बहस नहीं करी थी इन्हें, तो लागू और थोपण का मतलब है जी। आज हम इससे उम्मीद तो हम उसी दिन से छोड़ गए थे जिस दिन कि ये बहस बंद कर दी थी। आज बहस भी नहीं है, कुछ नहीं है, इन्हें तो लागू करने से मतलब है, कोई मरो कोर है। सिर्फ वोट के टाइम, वोट के टाइम भी वोट यूज करते हैं, गरीब अमीर चाहे कोई भी हो जी। एक कर्मचारियों की तो उम्मीद ये थी जी भाई कि मन कुछ देगा, क्योंकि ये संघर्ष चल रहे हैं, तो संघर्ष के बाद भी ये कुछ नहीं दे रहा है जी। तो इसी करके सारे जनता त्राई त्राई गए, नाराज ते भी त्राई त्राई कर रहे हैं जी। जो सबसे गाने देखो, कभी ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं था कि मोदी झूठ बोलता है, ये आप साफ भी सुनो और आपने पता भी है कितने बढ़िया बढ़िया के मोदी झूठ बोलता है, तो मोदी झूठ ही बोल रहा है और बोल रहा है जी। हम इसका जवाब वोट से ही लेंगे और तुम्हारे पर तो कोई है नहीं। उस बारे में क्या क्या उम्मीदें थी और कितना सरकार खरा उतर पाई है, क्या सोचते हैं? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और ये अपने चैनल के माध्यम से जनता तक जो भी सरकार की नीति है वो आप पहुँचा रहे हैं। मैं सभी सुनने वाले को नमस्कार। असल में ये जो आज बजट जो पेश किया गया है ये लगता तो पहले ही था, ये जन विरोधी बजट है, ये किसान विरोधी, ये कर्मचारी विरोधी, महिला विरोधी बजट है ये। और मतलब इस बजट में नया तो कुछ नहीं है, मतलब सरकार जिस तरह से लगातार जो नीतियां जो लागू कर रही है उन्हीं पर आधारित है ये बजट भी। जिस तरह से पीछे खेती को बर्बाद करने के कानून सरकार लेके आई थी, अब भी मतलब सरकार वो काले कानून उल्टे पे से ले लियो, लेकिन उनको बजट के माध्यम से लागू करने की जिस तरह से सरकार ने बजट में लेके आई है, कॉरपोरेट के हवाले करने जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब सब कुछ तो निजी हाथों में देना का सरकार ने फैसला कर लिया है। बजट से निराश हैं? काफ़ी निराश हैं आम जनता, महंगाई से त्रास दिए जनता में। जनता को काफ़ी उम्मीद थी कि महंगाई पे कुछ राहत मिलेगी आने वाले समय में, और ये जो पीछे जो आंदोलन हुए हैं, चुनाव भी है तो 4-5 स्टेटों में, सरकार उससे कुछ सबक लेते हुए जनता को कुछ राहत देगी, लेकिन सरकार मतलब जनता को निराशा ही आत लगी है इस बजट से। वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है ये। इसमें ऐसा है जी, जो जनता थोड़ा ये विश्वास कर रही थी भाई ये जो बजट है ये आम जनता के लिए एक अच्छा बजट देंगे, जैसे पीछे 2 साल से तो कोरोना सिस्टम चल रहा है, सारा सिस्टम बंद है, लेकिन जो इन आज बजट पेश किया है यो एक बहुत ही निराशाजनक बजट है। ये जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये इन्होंने पेश होने से पहले ही ये सारी कार्रवाई कर लेते हैं। इन्होंने आम जनता से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ
वोट के लिए ही आम जनता को यूज करते हैं।